तेरे शिव मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नैया है, तू ही किनारा, तू ही मेरी नैया है, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इस अलौकिक आनंद की जय हो। आप सभी ने प्रायः देखा होगा, यहाँ से नज़दीक से आके दर्शन किया होगा, निश्चय ही अलौकिक आनंद है। सर्वप्रथम मैं सूचना दे दूँ, उसके बाद अपनी कड़ी में जुटूँ, आपके साथ जुड़ूँ। सूचना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पारब्रह्म परमेश्वर का प्राकट्य है। आज आप देख रहे हैं कितनी मनोरम झांकी, दो दो, एक यहाँ पर्दा उठाएगा प्राकट्य में, फिर पालने में आप देख रहे हैं भगवान श्री को। बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, कुछ आपाधापी भी होती है। आपकी बचत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सूचना दे रहा हूँ कि अपने पर्स और अपने आभूषण आप संभाल के रखेंगे। दूसरी सूचना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंदोत्सव के उपलक्ष्य में बधाई दी जाती है, उसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिसके गुणगान के लिए आप कहाँ कहाँ से घंटों पहले आकर के 3 बजे से 7 बजे तक बैठते हैं, अपनी बधाई के लिए भी आपको यूं ही प्रस्तरवत बैठने के लिए इन्होंने कहा है कि आप अपनी जगह पर जहां के तहां बैठे रहेंगे, बधाई आपको यथास्थान प्राप्त हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण दो सूचनाएं। उसके पश्चात मैं चल रहा हूं अपनी अग्रिम विधा में। बिखरे मोती, कल के प्रसंगों के बारे में नहीं कहूंगा, क्या है आपने पूरा आनंद लिया है। भाव और प्रेम से जो अपना बनता है वही ईश्वर है, शेष मात्र स्वर है। भक्ति की नहीं जाती, भक्ति तो स्वयं हो जाती है। कथा श्रवण ही ऐसा आवरण है जो एक साथ सभी को आनंद देता है। जब लोग बेटे की प्रशंसा करते हैं तो माँ भाव विभोर हो जाती है। कठिन से कठिन कार्य हेतु यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो कार्य सिद्ध हो जाता है। जप से जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, तब तक फल की प्राप्ति भी नहीं होती। सत्संग से स्वभाव बदल जाता है। संतों के लिए धूल मिट्टी और स्वर्ण, संतों के लिए धूल मिट्टी और स्वर्ण समान होते हैं। धूल और मिट्टी संतों के लिए दोनों एक समान होते हैं। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। इस बड़ी व्याख्या की थी श्रद्धेया ने। जगत को राजी करने की चेष्टा मत करो,
प्रभु को राजी करो। घर में हृदय संतोष ममता ममता एवं विषमता करनी पड़ती है। सदगृहस्थ के बारे में आपके बारे में विवेचना के साथ आपने बताया था। सिद्धि आने के बाद प्रसिद्धि की कामना स्वयं हो जाती है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए वैराग्य बहुत ही कठिन है। प्रतिकूलता वैराग्य की जननी है। हम संसार में रहें किंतु संसार हमारे भीतर नहीं रहे। सूरज हमें प्रकाश देता है किंतु बिल नहीं भेजता। इसलिए आपसे प्रार्थना किया है, अरे अर्घ्य तो आप दे सकते हैं। मानसिक सेवा शारीरिक सेवा से बहुत बड़ी होती है। संसार में बसो किंतु संसार मन में मत बसाओ। पाप आंख के द्वारा अंतह में प्रविष्ट होता है। दुनिया में चीनी से मीठी कौन सी वस्तु है? प्रशंसा। आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति पाना चाहते हैं तो आसक्ति अनिवार्य है। जब मन में भाव भर जाते हैं तब आंखें भी भर जाती हैं। कंठावृद्ध हो गई। कीर्तन में जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में प्रभु उसे चार पांव वाला बना देगा। बहुत बड़ी बात रही है ये। और अंत में सारा भक्ति धाम तालियां बजाते हुए गूंज उठा है। वह पंक्ति कहने जा रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूं, शायद उच्चारण में वो आनंद न आए लेकिन भाव भर जाएगा मन में। मैं हूं थारो खड़े खिलौना, तू है खेलनहार। ये पंक्ति जिस समय श्री मुख से निकली है आप सभी के हृदय को छू गई। चित्र लगा हुआ है, आप देख लेंगे। सारा भक्ति धाम एक साथ खड़े होकर तालियों के साथ झूम करके इस मधुर वाक्य का अवगुंठन किया है। मैं इन शब्दों के साथ विधा में अग्रसरित हो रहा हूँ। नित्य मैं नारी के बारे में कुछ कहता हूँ। आज की कड़ी है, माँ माँ तुम केवल श्रद्धा हो। ये पुरुष वर्ग लिखता है। माँ तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियां माँ के लिए, माँ कोई नारी ही माँ होती है, उनके लिए समर्पित किया गया है। आप आए कल के शाश्वत प्रसंग में मैं आपको ले चल रहा हूं। आप ध्यान से देख रहे होंगे, फिर वहीं आपको मोड़ कर ले आ रहा हूं। कल इस भक्ति धाम में व्यास पीठ या मंच स्थान से गंगा और यमुना दोनों एक साथ प्रवाहित हुई हैं। परसों तक तो गंगा बहती रही लेकिन कल गंगा के साथ यमुना भी प्रवाहित हुई है। जब यमुना का उद्वेग जोर से आता था तो श्रद्धेया कहीं गंगा में मिलकर संगम न हो जाए, संगम होने पर व्यवधान पड़ेगा, इसलिए रुमाल निकालकर रास्ता अवरोध करती थी यमुना को प्रवाहित होने से। आप प्रसंग को समझ रहे हैं कि बार बार कल कितनी बार ज्यों बड़री अखियां निरख अखियन को सुख होत। बिहारी की पंक्ति हमारी नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर सभी की आंखों को सुख होता है। कल इन बड़ी बड़ी आंखों ने बहुत यमुना बहाया है, बहुत यमुना बहाया है, हमें आप सबको आह्लादित किया है, आलोकित किया है। एक प्रसंग और कहूँगा, खत्म हो रहा है। नित्य देखते हैं, आज भी अभी देख लीजिए, कुंठा शब्द मैं कह रहा हूँ कि शायद पुरुषों में कुंठा जागृत हो रही है क्या। नित्य मैं कहता हूँ कि ये प्रांगण, ये सभा कक्ष नहीं, ये भक्ति धाम 3/4 औरतों के लिए आरक्षित, 1/4 पुरुषों के लिए। कल का दृश्य हमने देखा, जब
बहनों का, महिलाओं का, औरतों का स्थान पूर्ण रूपेण आद्योपांत भर गया तो बहनें आकर पुरुषों का स्थान ली, क्योंकि पुरुष नहीं थे। कुंठा, एक शब्द कुंठा है, कुंठा थी नहीं। आप सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहा हूं कि बापू, बड़े बड़े संत महात्मा राम कृष्ण की गाथा गाते हैं, पुरुष वर्ग खड़े होकर के नाचता है, आह्लादित होता है, बहनें भी उनसे ज्यादा उसमें भाग लेती हैं। लेकिन हमें अंतः से दुख हो रहा है कि कल के प्रसंगों पर जहां हमारी बहनें, इसलिए कि बहन कथा यहां मंच पर है, इसीलिए आपने नहीं, पुरुष इसलिए एक भी नहीं उठा क्योंकि कथा वाचक के रूप में एक महिला एक बहन है, नहीं, ये बड़े दुख की बात है। मैं फख्र से कह रहा हूं, आप सभी देखते होंगे कि पिछले 40 वर्षों से जो भी संत महात्मा आता है इस जगह पर, मैं रहता हूं, देखता हूं, बहनों का योगदान, अपना सब कुछ लुटाती है भगवान के लिए। लेकिन कल एक भी पुरुष, जहां सारी बहनें एक साथ नाच रही थी, गा रही थी, आह्लादित हो रही थी, एक भी पुरुष वर्ग खड़ा होकर के ताली भी नहीं बजाया है, ये कुंठा मैं कह रहा हूं। क्षमा करेंगे, आप आए हमारे बीच, ये बांके बिहारी है ना, जहां जन्म लिया था उन्होंने, उसी जन्म स्थान से हमारे बीच आज पधारे हैं परम श्रद्धेय श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहेब, हित किंकर हमारे बीच पधारे हैं, मूर्धन्य विद्वान। देखो सरलता सादगी के प्रतीक द्वय, वृंदावन से क्या, वृंदावन में सादगी ही सादगी है, जहां विद्वत्ता है वहां सादगी है, कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम श्रद्धेय बाबू श्री राम चंद्र प्रकाश जी शर्मा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सतीश जी से, प्रार्थना करूंगा कि परम श्रद्धेय श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा के गले में पुष्प की माला समर्पित कर वृंदावन से पधारे हैं। श्री हरिवंश महापुराण के महासेवक हैं, प्रखर वक्ता हैं, विद्वान हैं। अब प्रखर वक्ता विद्वान इतना मैं कहूं तो आपकी अभीप्सा हो जाएगी कि उनके श्रीमुख से कुछ शब्द हम अवश्य सुने। इस कड़ी में मैं परम श्रद्धेय शर्मा जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने मुखार बिंद से संस्थान को आशीर्वचन प्रदान करें। श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा, हित किंकर, वृंदावन निवासी, जो वृंदावन से सीधे पधारे हैं, श्रीजुगल बिहारी परिकर संस्थान है, संस्थान के लिए आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं परम श्रद्धेय श्री शर्मा जी के द्वारा। ओम नमः। प्रेमानंदोत पुलकित गात्रौ विद्युत धारा धर समकांति श्री राधा कृष्ण मनसि दधानम् वंदे हम श्री हित हरिवंशम् सत प्रेम सिंधु मकरंदर सौगधारा सारा नजस्त्रमभित श्रवराश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनम् सिरसा वहां यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति
साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। बोलिए श्री जुगल बिहारी सरकार की। श्री सुखदेव जी भागवत के चरणाश्रित मंचस्थ श्री भाई जी, हमारे विद्वत वर्ण, समस्त विप्र विप्रजन, सभी में विराजमान गुरु जी, परम भूज जी और समस्त जुगल बिहारी परिकर की भक्तिमती सखीजन, वृंदावन के रसिकजन, श्री भगवत रसिक देव जी ने बहुत सुंदर कहा कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। श्रीमद् भागवत सुनना है तो किसी प्रेमी रसिक भक्त से सुने। और हमारी जो मंच पर विराजमान बाई जी हैं, यह श्री युगल सरकार के श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम की साक्षात मूर्ति। ये इनके मुख पर इनकी प्रशंसा नहीं, ये जब से बाई जी से मैं संपर्क में हूं तब से निरंतर इनके जो इनसे जो सत्संग होता है श्रीमद् भागवत विषय को लेकर के, वृंदावन के रसिकों की वाणियों को लेकर के, श्री राधा सुधानी जी को लेकर के, वृंदावन के संतों की जो जो प्रसंग है उनसे लेकर के, जो सत्संग के समय जो जो प्रेम मग्न होती हैं और इनके हृदय से जो निरंतर प्रेम की अश्रुधारा बहती है, वो हृदय बताता है कि इनके हृदय में युगल चरणारविंदों की अविचल प्रीति है। और ये प्रीति कैसे इनको प्राप्त हुई, ये या तो पूर्व जन्मों के इनके सुचिनाम श्री मतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते, तो इनके जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, और श्री वृंदावन की रज और संतों की इनके ऊपर जो कृपा वर्षी है वो उससे श्री गोविंद के चरणारविंदों की, श्री हरि के चरणारविंदों की जो प्रीति इनके हृदय में अविचल रूप से है, ऐसा हमने अनुभव किया है। किसी के कहने सुनने से नहीं, हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो हम यहाँ कह रहे हैं। जब बाई जी का आमंत्रण मिला, हमें लगा कि बाई जी यहाँ पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में यहाँ के इनका सखी परिकर ने ऐसा आयोजन रखा है, तो बाई जी के हमारे मन में भी उत्साह हुआ कि वृंदावन से जाएं और बाई जी के मुख से जो है श्री भागवत जी का जो प्रेममय और सिद्धांत परक जो चर्चा हो रही है उसका लाभ हमको भी मिले। वैसे तो जब भी बाई जी वृंदावन आती हैं, हम भी यहाँ बम्बई आते हैं, तो यही हेतु रहता है बम्बई आने का कि बाई जी के साथ रह करके सत्संग का लाभ होता है, और घंटे दो घंटे तीन घंटे सुबह शाम जितना भी होता है सत्संग की ही कथा की वर्षा होती है, रस बरसता है। इसी के साथ मैं भाई जी को बहुत मंगल कामना करता हूँ, भागवत जी की ओर से, युगल बिहारी की ओर से, वृंदावन धाम की ओर से, बिहारी जी की ओर से सब मंगलाशासन आशीर्वाद देता हूँ कि हमारी भाई जी इसी प्रकार से दीर्घायु होते हुए समस्त बम्बई के नगरवासियों को जो है प्रेम भक्ति और रस में ऐसे ही भिगोती रहें, डुबोती रहें। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडलीशक्तिरूपिणीं श्रीवृषभानुकुमारिके पदबंधों कर जो जे निशिवासर उर्धरे ब्रज बसी नंद किशो बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुखदा
जिन पर सन के हित रहता लाला राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरो राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी प्यारे राधा जुगल बिहारी श्याम कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी मेरो श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी मेरे श्यामा कुंज बिहारी राधा जुगल 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 मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी सरकार की नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति जन्मयतया तरवो भिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानयतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादवमृतसवसंयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका मुहुरहो रसिका भुवि भावका करार अरविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिव्ये पिबस्वामृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चेतवृत्ति दद्यादिकं मोहवशात् वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो सर्वे मिले त्वा
नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द नामो जयहो सुखे शयानानि लये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता प्रजन्ति गोविन्द नामो जैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव हरि बोल वसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण प्रसाद मे कुलेश गोपाल गोवर्धन स्वामित मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति जीवे रसके मधुर प्रियात्म सत्यमिदं वां परमं वदामि अवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामो याचे मम देहि जीवे समागते दण्ड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सहेते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत पर तोतरी भाषा में मुझे बोलते हुए 3 दिवस हो गए। भगवत कृपा से, श्री सुखदेव जी की कृपा से, श्री संत कृपा से, भागवत की कृपा से जो कुछ इस मुख से निकलता है अच्छा लगे वो भागवत की कृपा, और कुछ मेरे द्वारा भूल से कुछ निकल जाता उसे आप सब लोग क्षमा करें। आप सब के अंदर विराजमान श्री ठाकुर जी को मेरा बार बार नमन। प्रभु कृपा से ही सत्संग भी प्राप्त होता है, प्रभु कृपा से ही कुछ उसके बारे में बोला जाता है, प्रभु कृपा से ही श्रवण हो सकता है। कल हमने प्रह्लाद जी के चरित्र के साथ नरसिंह भगवान का अवतार प्राकट्य का दिवस मनाया। प्रह्लाद जी की नवदा भक्ति पर पूर्ण रूपेण प्रकाश नहीं डाला जा सका। नवदा भक्ति इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा विषय है, एक एक भक्ति पर एक एक दिन बोलें 2-2 घंटा तो पूरा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि 9,000 करोड़ की पार्टी में 9,000 करोड़ नवदा भक्ति है। तो जिसके पास नवदा भक्ति पहुंच जाए, जिसके पास प्रह्लाद जी की कृपा पहुंच जाए, नरसिंह भगवान की कृपा पहुंच जाए, एक शब्द प्रह्लाद जी का जो भक्ति का विशेष कल मैंने मारो तो था पर दारमदार कहा, पूर्ण भक्ति उसमें आ जाती है, पूर्ण विश्वास। और पूर्ण विश्वास उसी को होता है जो आत्मनिवेदन कर देता है, और आत्मनिवेदन करने के बाद अपना कुछ भी नहीं रखा। प्रह्लाद जी ने अपनी तरफ कुछ भी नहीं रखा, जरा सा भी, जैसे बोलते ना बाल भर भी, जो गुरु जी कल बोले
कि भक्ति का क्या कि रग रग ना नाच जाए और ज्ञान उसका कि रुआ ना हिल जाए। सो रुआ भी कभी हिला नहीं प्रहलाद जी का और रग रग भी नाच रही थी और करने को कुछ भी नहीं था। तीनों योग कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान योग तीनों रूप संपूर्ण तीनों योग संपूर्ण प्रहलाद जी में चित्रित हो रहा था। इतना होने के बाद जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो इतना ऐसे क्रोध का अवतार माना जाता है लेकिन क्रोध नहीं इसको कह सकते हैं कि भगवान के दुख का कि भगवान को इतना दुख होता था कि उनके भक्त को इतना सताया गया उसे आवेश अवतार कह सकते हैं कि इतना रोष और आवेश था कि वो रह नहीं सके उस खंभे में से प्रकट हुए। देखिए मन में आता है कि खंभे में से क्यों प्रकट हुए ये पूरी की पूरी ये बताती है बात प्रहलाद जी की कि सर्वत्र प्रभु है व्यापहरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कल ये स्तंभ से निकलने का बार बार ये सूचक था उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक। हम गाते हैं जरूर सर्वव्यापक हैं व्यापक हैं व्यापक लेकिन प्रहलाद जी ने कल सिद्ध किया कि सर्वत्र हैं इसलिए इस खंभे में भी हैं। सब में ईश्वर का सब तरफ ईश्वर का अनुसंधान और अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। हम मूर्ति के लिए देखते हैं हम मंदिरों में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाकर के कर लेते हैं कि हाँ यहाँ भगवान है और मंदिरों में जनरली सबको जाकर के अच्छा भी लगता है कथाओं में जाकर के भी हम अनुभव करते हैं कि यहाँ भगवान है लेकिन हम क्या किसी भी दीवार में किसी भी जगह अनुभव करते हैं कि भगवान है यहाँ पे। सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव कोई कोई बिरला ही कर सकता है जैसे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। एक गुर गुर शब्द किया मतलब प्रहलाद जी के गुरु भी श्री ठाकुर जी। गुरु अर्थ का ये अर्थ नहीं था कि कोई जैसे सदगुरु हो वो उनको कहें कि तुम स्तंभ में से करो। जो बचपन से ही नारद जी से शिक्षा मिली थी कि प्रभु सर्वत्र है और जब प्रेम से पुकारेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे इतना विश्वास। एक महात्मा थे उसके दो शिष्य थे। महात्मा गुरु जी थे दोनों शिष्यों को कहा कि देखो बेटा मैं तुमको दो चीज देता हूँ। उनको अपने गद्दी पे बैठाना था किसी को तो बोले मैं दो चीज देता हूँ इसे वहाँ जाके खाना जहाँ कोई ना देखे। तो पहला महात्मा तो गया और देखा कोई नहीं देख रहा है एक तरफ जाके झाड़ के नीचे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा उसने खा लिया और आ गया। शाम तक दूसरा शिष्य आया ही नहीं कब ढूंढो तो सही कहाँ चला गया कोई जंगल में कोई खा गया कर गया देखो तो सही। लेकिन रात को ढूंढ ढूंढा करके उनको लाया गया बोले अरे तुम आए क्यों नहीं सुबह से तुमको कहा कहीं जहाँ कोई ना हो वहाँ जाके खा लेना। बोले गुरुजी मैंने बहुत चेष्टा की मैं बहुत जगह गया सब जगह गया पर मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि जहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहीं ना कहीं से देख रहा था इसलिए मैं खा नहीं सका इसलिए मैं वापस लेके आ गया। जब इससे शिष्य को मालूम पड़ गया कि ईश्वर सब जगह है इतनी उसके अंदर सुबुद्धि आ गई गुरुजी ने सोचा यही मेरे लिए एकदम उचित मेरे गद्दी पे बैठने लायक है इसलिए उन्होंने उसका स्वागत किया और उसको गुरु पे बैठा उसको गुरु अपने स्थान पे बैठा दिया। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है और हमें अनुभव नहीं होता और हम लोग ये सोचते हैं कि बीच में एक और कथा कह देती हूँ लेकिन फिर भी चलती हूँ। एक दफ़े गोरा कुम्हार थे आप लोगों ने नाम सुना होगा भक्त थे महाराष्ट्र के गोरा कुम्हार ज्ञानदेव महाराज एकनाथ महाराज और नामदेव जी ये सब लोग वहाँ मुक्ताबाई के वहाँ पे गए और उस समय कुम्हार होता है तो घड़े को ऐसे टक टक करके देखता है कि ये बराबर पका है कि नहीं पका है ठीक है ना। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि दादा
जरा सबके खोपड़ी पे टक टक करके देखिए कि पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। अब नामदेव जी तो विट्ठलनाथ भगवान से रोज ही बात करते थे, तो उनको लगता था कि क्या बात है, मिल ही जाएंगे, मुझे क्या देखेंगे। तो मुक्ताबाई सबके सिर पर टक 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 किया, नामदेव जी के सिर पर टक करने लगे तो ऐसे नाक कर लिया, सिकुड़ जाके मेरे क्या सिर पर ठोकर, थोड़ा सा क्या होता सतोगुण में भी अभिमान आ जाता। तो टक किया तो गोरा कुमार ने कहा, दादा ने कहा कि बाकी सबके तो मटके ठीक हैं सिर के, लेकिन इनका थोड़ा कच्चा है। और उनको तो फील हो गया, वहाँ से उठ के चल पड़े। विट्ठलनाथ जी से रात में जाके बोले कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं आपसे बात करता हूँ, पंडरीनाथ के दर्शन होते हैं और मेरा कच्चा है। बोले हाँ तुम्हारा भी कच्चा है। बोले क्यों, क्या कारण है? बोले तुमने गुरु नहीं किया अभी तक। बोले गुरु कैसे? बोले गुरु को लेकर तुम जाओ और गुरु की दीक्षा लो। बोले कौन से गुरु की दीक्षा लें? बोले इस ओर जाओ और वहाँ तुम्हें शिवजी का मंदिर मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें विशोभा खेचर नाम के गुरु मिलेंगे। वहाँ गए तो विशोभा खेचर जी एक शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे थे। अब शिवलिंग पे पैर रख के सो, उनको कोई गुरु बनाए? हमारे जैसा भी नहीं करेंगे। बोले कोई गुरु है शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे हैं, पर क्या करें, विट्ठलनाथ भगवान बोले हैं तो करना ही है। तो हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ, पर आप ऐसे शिवलिंग पे पैर रख के तो चरण रख के तो न सोएं। वहीं से बोले, ऐसा कर बेटा तू मेरा चरण वहाँ रख दे जहाँ शिवलिंग ना हो। उन्होंने उठा करके उनका चरण जहाँ रखा वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता, फिर उनका चरण जहाँ रखता वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो जाता, जहाँ रखता वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो जाता। चारों तरफ भोजन में शिवलिंग शिवलिंग प्रकट होते गए, और शिवलिंग शिवलिंग इतने प्रकट होने के अंदर जब देखा कि कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ उनके चरण रख सकूँ, तब वो उठ के बैठ गए। और उठ के बैठ के बोले, बेटा कहीं तुझे नहीं नजर आया जहाँ शिवलिंग नहीं है? ज्ञान हो गया। वही नामदेव जी इनसे विशोभा खेचर जी से ज्ञान लेकर के आगे बढ़े, तो उन्हीं को बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुमको दृष्टि नहीं थी कि हर जगह हरि है, तुम्हें शिवलिंग एक जगह दिखता था पर शिवलिंग हर जगह था, परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, सब समय में है। ये सारा जो चीज है, ये सारी चीज जो देखी, ये देखने के बाद उन्होंने नामदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया गुरु सब जगह है, मैं खाली पंडरपुर में विट्ठलनाथ को अनुभव करता था, वो समझ गया। और फिर आए हैं वही नामदेव जी वही झाड़ के पास, रोटी खा रहे थे, रोटी में से कुत्ता लेकर के जाने लग गया, और घी उनके पास था, कुत्ता लेके जाने लग गया तो उसके पीछे पीछे दौड़े, अरे सूखी रोटी क्या पा रहा है, मेरे हाथ से घी तो लेके जा, हे परमात्मा मेरे हाथ से घी तो लेके जा। वो बात इतनी ज्यादा लगने लग गई उनको, ऐसी लगी कि देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज सोचिए कि कुत्ते के अंदर भी उनको दर्शन हुए। रामेश्वरम जाते हुए गधा एक पानी के लिए पी रहा था, उनको पानी पिलाया, उस गधे में भी उनके दर्शन हुए। श्री राधे, यहां पर भी सर्वत्र का प्रह्लाद जी ने अनुभव किया है। ये तो एक दो उदाहरण दिए हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहां संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें हर समय प्रभु नजर आते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए उन्होंने कि एक दृश्यमान है, वहां पर भी ईश्वर है, और ईश्वर दृष्टा है। प्रह्लाद जी ने स्तुति करना आरंभ किया, सबने कहा इतने घड़घड़ाहट रहे हैं कौन इनके पास जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी आगे को गए तो वो घुरघुर घुरघुर कर रहे थे, क्रोध में दे करके वहां से पीछे सरक गए। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप पधारो, कैसे होएगा, इनको तो थोड़ा सो क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी आगे गई, सोचा मेरे पति तो नाराज हैं, वो मेरे से तो राजी हो ही जाएंगे, पर काय के पत्नी से राजी हो, पत्नी भी पीछे सरक गई। प्रह्लाद जी से प्रार्थना की गई, प्रह्लाद जी आप आगे को आइए, और ज्यों ही प्रह्लाद जी आगे आए हैं और ज्यों ही वो नरसिंह भगवान के सामने गए हैं,
जैसे कोई गाय अपने बच्चे को चाट करके पास में लेती है, वैसे नरसिंह भगवान के गोदी में तो हिरण्यकश्यप है, ले नहीं पाते थे, दोनों हाथों में वो रक्त लगा था, फिर भी अपनी जीभ से चाट चाट करके प्रह्लाद जी को प्यार किया गया है। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि प्रह्लाद जी रो पड़े और ऐसे देखने लग गए कि मैं तो इस लायक नहीं। उन्होंने प्रश्न किया, ऐसी क्या बात है, मैं दैत्य कुल में जन्मा हुआ, आपने मुझ पर इतनी कृपा कैसे करी। प्रह्लाद जी की तरफ कुछ नरसिंह भगवान बोले नहीं, जीभ से चाटते रहे और प्रह्लाद जी का अश्रुपात होता रहा। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद भी ये मौका नहीं मिलता कि भगवान किसी पर सहज राजी हो जाए। भगवान का क्रोध और आवेश इसलिए था कि मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सोचिए, कभी भी अपने को खुद को जब कृष्ण को कष्ट उठाना पड़ा और भीष्म पितामह के लिए उतर करके और चक्र उठाए और कर्ण के ऊपर जब चलाने के लिए अर्जुन को कहा, खुद उतर गए और कहने लगे, तब भी उन्हें इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है तब भगवान को अति कष्ट होता है। ये प्रह्लाद जी के इससे मालूम पड़ा। भक्त के तो बातें करने लगेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन क्या करूं, इतनी चीजें आ जाती हैं। भगवान कितनी छोटी चीज पे राजी हो जाते हैं और कितनी बड़ी चीज छोड़ देते हैं, क्यों, वो केवल भावना देखते हैं। मुझे एक चीज याद आ गई बीच में ही, कि हम जैसे भक्तों के बीच नहीं, रुक्मणी जी सत्यभामा जो कि उनकी खुद की पत्नी थी, वो पत्नियों को भी भगवान ने नहीं छोड़ा। वहां पर भी एक बार रुक्मणी जी के मन में आया कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो रुक्मणी जी ने कहा, सत्यभामा जी के मन में आया, और कुछ नहीं आया, सत्यभामा जी के मन में ये आया कि मैं अधिक सुंदरी हूं, थोड़ा सा अभिमान आ गया। तो प्रभु तो सबको प्यार करते हैं, तो उनका थोड़ा सा अभिमान दूर करने के लिए नारद जी घूमते घूमते वहां आ गए। तो बोले कि ऐसा बताइए नारद जी, हर जन्म में मुझे कृष्ण ही पति मिले, इसका उपाय बताएं। देखो सीधी सी बात है, जिस चीज का आप आज दान करोगे तो अगले जन्म में वो मिलेगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। नारद जी तो उसके लिए आए थे उपाय लेकर। तो बोले जिस चीज का दान करो अगले जन्म में मिलेगा, आपको यही पति अगले जन्म में चाहिए तो श्री कृष्ण का दान कर दो। सत्यभामा जी थी, उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति इसके ध्यान के लिए इच्छुक नहीं है। अंत में नारद जी ने कहा कोई नहीं दान करता तो मेरे को देनो। ओम स्वस्ति न इंद्र हो करके ब्राह्मण को बुला के नारद जी ने श्री कृष्ण का दान का संकल्प सत्यभामा जी से ले लिया। और फिर क्या, गए सब जने बैठे थे तो नारद जी गए, कृष्ण को उठाया। तो सत्यभामा जी इनको लेके कहाँ जा रहे हैं? बोले आपने दान कर दिया, अब तो मैं लेके ही जाऊंगा, अब तो मेरे हो गए, दान दी हुई वस्तु तो आप वापिस नहीं ले सकते हैं। अब सत्यभामा को भूल समझ में आई, रुक्मणी जी के पास पहुंची, सब रानियों के पास पहुंची। बोले सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण का दान कर दिया, अब क्या करें, श्री कृष्ण ने दान कर दिया। सब बोले अब वापिस कैसे लें। तो फाइनली सब लोग उधर से उठी करी और रुक्मणी जी के पास गई। तो बोले इनका ऐसा करो, आपके पास समंतक मणि है, अब मेरे हो गए, यदि आप उनको वापस लेना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि उनके जैसा मुझे तुला दान कर दीजिए, इनके बराबर का दान कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। अब जितनी मणि, जितने सोना चांदी आभूषण, सब घर में कोई कमी थोड़ी होगी रानियों के, सबके सब एक तुला पे रख दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी उठे ही नहीं, बराबर नहीं। अंत में सत्यभामा ने कहा मेरे पास तो समंतक मणि है। उन्होंने लाके समंतक मणि अपने गर्व की, जिसकी बात थी वो भी रख दी। नहीं, सबने मोल करना चाहा, कोई ज्यादा मोल नहीं कर सका। अंत में रुक्मणी जी के पास गए, बोले हमने सारा धन वैभव सब कुछ एक तुला पे रख दिया, पर कृष्ण तुल नहीं रहे हैं तो क्या करें। रुक्मणी जी ने, जिन्होंने बड़े ही
दैन्यता से विनम्रता से कृष्ण को प्राप्त किया था। बोले ठहरो मैं तोल देती हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले क्या भगवान की तुलना सुवर्ण और चांदी से हो सकती है क्या, ऐसा रुक्मणी ने कहा। और उन्होंने एक तुलसी दल उठाया और पूरे प्रेम से एक तुलसी दल वहां पे रखा और कृष्ण जी तुल गए। तो किस चीज पे तुले भगवान? एक प्रेम की तुलसी दल पे तुल गए। तो सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े वैभव से ठाकुर जी को राजी करें, हम बड़े बड़े वैभव से ठाकुर जी को तोलें। वो नहीं तुलते हैं, वो तो कोई विदुरानी के छिलके खा लेते हैं, तो वो कोई भाजी खा लेते हैं, तो वो कोई एक तुलसी दल से तुल जाते हैं। वो तो प्रेम से करते हैं। जब सामने इतने आवेश अवतार में भी जब प्रहलाद जी सामने आए तो सब कुछ भूल गए, क्रोध भूल गए, आवेश भूल गए और जीभ से चाटने लगे, जीभ से चाटने लगे। प्रहलाद जी हाथ में उठा के बार बार कहने लगे, प्रभु प्रहलाद जी की स्तुति बहुत अच्छी है, पूरी स्तुति लेने में आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदना दग्रसतां प्रणीत बद्ध स्वकर्म विरुषतमते ग्रिमूलम् प्रोतोपवर्ग शरणम वयसे कदा। ब्रह्मा जी, देवता आपका पार नहीं पा सकते, आप शांत होइए। शांत करने के लिए कहा, आप शांत होइए। अच्छा हुआ आपके इस भयंकर स्वरूप को देख करके सब देवताओं को, सब लोगों को डर लग रहा है, पर मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि सब रूपों में आप ही हैं। मुझे किस चीज का भय है प्रभु? बार बार गर्दन हिला करके नरसिंह भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं और उसको इशारा कर रहे हैं, बोल बोल बेटा बोल। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे एक ही भय है। क्या? बोले ये असह्य उग्र जो संसार चक्र है उसमें पिस जाने का भय है। देखो प्रहलाद जी इतने छोटे कह रहे हैं उसमें पिस जाने का भय है। मेरे कर्म पाशों से बांध कर, मेरे कर्म भी इतने नहीं होंगे, मैं दैत्य कुल में जन्मा हुआ हूं और ऐसे ऐसे जंतुओं के बीच मुझे छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण स्वरूप चरणों में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे आप अपनी प्रसन्नता से आप मुझे कब गले लगाएंगे? आप सभी का आश्रय हैं, आप ही सबके परमाराध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से कठिनाइयों को पार हो जाऊंगा। दृष्टा मया दिवि विभो खिल दिष्ण्यपाना आयु श्रियो विभव इच्छति या जनोयम् यस्मत् पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रु विस्फूर्जिते न लुलिता सतुते निरस्त। हे प्रभु, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, पर स्वर्ग में आयु लक्ष्मी वैभव मैंने देख लिया, मेरे पिता को कोई वस्तु की कमी नहीं थी, आंखों में एक ही वस्तु थी कि सब कुछ ला देने के लिए वो समर्थ था, लेकिन सारी संपत्ति तीन लोगों को जीतने के बाद भी उनका क्या हुआ? नाश हो गया। मैं क्या करूंगा ये संपत्ति? अतः मेरे को ऐसा करिए, भोगोपभोग दीर्घायु लक्ष्मी इसकी मैं इच्छा नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं आयु श्रियम विभव मैं द्रियमा विरंजित न इच्छामि ते। मेरी कोई इच्छा नहीं है भगवान, ये संस्कार तो अधिकार से भरा हुआ है, मुझे एक ही बात बताइए कि ये संस्कार मुझे न छुए। देखिए जितने भक्त हैं वो सब यही मांगते हैं। ये भागवत की कथा कहानी नहीं है। मैं बारंबार यही समझ में आता है मेरे कि एक एक जने की जो प्रार्थना है वो यही कह रही है कि मुझे इस संसार चक्र से अलग रखा जाए। ये कुआं है, कुआं क्या है? एक कुआं है, इस कुएं में सब लोग फंसे हुए हैं,
सब लोग फंसे हुए, कोई एकादा संत हो और कोई प्रभु की कृपा हो, आपकी कृपा हो, हे वैकुंठनाथ, मेरा मन आपकी कथाओं में लगता नहीं, जब कथा सुनने जाता हूँ तो निद्रा आ जाती है, निद्रा देवी का बड़ा प्रकोप है, फिर मेरा मन लगता नहीं, फिर ये सबसे ज़्यादा इंद्रियाँ बहुत दुष्ट हैं, ये मेरी पांचों इंद्रियाँ इस तरीके से आपको मेरे को खींच लेती है जैसे पांच वेश्याएं मिलके एक पुरुष को खींचता है, ये पांचों इंद्रियां मेरे बस में नहीं है और मन तो मेरा इधर उधर भटकता ही रहता है, उसे नियंत्रित करना कितना कठिन है, वह भय त्रस्त है, भांति भांति की इच्छाओं से दुखा है, दुरितम दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयशनाथ। कितनी बड़ी स्तुति है और बहुत सुंदर स्तुति है, इसमें सबसे बड़ी स्तुति का एक बहुत अच्छी चीज है कि इतने अधिक भक्त बड़े प्रह्लाद जी जिनके कारण से स्तंभ से प्रकट हो गए फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूं, ये कितनी दैन्यता है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मात्व शरणारविन्दे अकिंचनो नान्यगति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। जो भक्त होते हैं वो ही कहते हैं कि हम ऐसे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हम तो नहीं कहते ना, हमको तो कोई कह दे कुटिल तो ऐसे हो जाए हमको कुटिल का। और ये देखो भक्त हर सम मौसम कौन ऐसो नमक हरामी, जितने भक्त होते हैं वो उतनी दैन्यता से भरे होते हैं कि अपने आप को दोषी मानते रहते हैं। यमुनाचार्य जी की आलबंदार है उसमें भी बहुत दोषी मानते हैं, प्रार्थना इस सब अंतर के दैन्यता विनम्रता से भरी हुई होती है, कभी अपने को अधम अधमाधम मानते हैं। यहाँ पे प्रह्लाद जी भी अपने आप को यही कहते हैं कि आपकी कृपा हो, किसी सदगुरु की कृपा हो, किसी संत की कृपा हो तो शायद इस संसार रूपी चक्र से छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। लेकिन हम संत के पास जाएं तब ना, हम किसी गुरु के पल्ले पड़े तब ना, हम तो गुरु को गुरु के बनाने में लगे होते हैं। बोले ये इंद्रियां कैसे खींचती अपने को, एक थोड़ी सी हंसी मजाक की बात बोले। बोले एक साहब ऊपर बैठे थे और एक चोर उनके अंदर घुसा, बोले त्वचा स्पर्श की ओर खींच रही है, वो खींच रही है उसके ऊपर कहा, उसकी दो पत्नियां थी, तो बोले वो चोर गया ऊपर चोरी करने के लिए, देखा एक पत्नी तो साहब के केस पकड़ के इधर की ओर खींच रही, दूसरी पत्नी अपने पति को इधर से हाथ और पैर पकड़ के खींच रही, वो उसके हालत ऐसी हो रही थी कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उसकी हालत देखने कहा और वो चोर हंसी नहीं रोक सका, उस राजा के पास ले जाया गया। बोले मुझे जो भी दंड दीजिए दे दीजिए, उसे पकड़ लिया गया, बोले मुझे कुछ भी दंड दीजिए लेकिन दो पत्नी के साहब जैसा दंड मेरे को मत दीजिए, ये हालत मैं देख करके आया। वो दो पत्नी के थे और प्रह्लाद जी कहते हैं कि पांच पत्नियां हैं, मेरी तो पांच पत्नियां हैं, स्पर्श दृश्य दृष्टि श्रवण, ये पांचों इंद्रियां मुझे चारों तरफ खींचती हैं। एक मिनट हम इधर देखते रहते हैं, इधर से कान में कुछ आवाज आती है, हम उधर को देखने लगते हैं, मन किधर भाग रहा है, पांच इंद्रियों के पांच विषय सच्चे पति नहीं है, किंतु पति होना चाहते हैं तो पति परमात्मा है, परमात्मा की शरण लेने के बजाय और कुछ उपाय नहीं है। ये सोती रहती है इंद्रियों के आवेग को सह करके, नाथ मैं बालक हूं मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूं इतना जगत आपने सुंदर बनाया है इसलिए इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। नरसिंह भगवान इतना रो रो कर इतना, अरे तू तो 7 वर्ष का बालक है, तूने तो ये सब किया नहीं। बोले नहीं, मैं कितनी बार बालक बना, कितनी बार पिता बना, कितनी बार माता बना, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अब ऐसा दीजिए कि मैं यहां से इस संसार चक्र से निकल सकूं। नरसिंह भगवान ने कहा जीवों को सुखी करने के लिए मैंने सारे संसार के पदार्थ बनाए, मनुष्य ने अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक उपभोग करके खुद का माना,
जैसे किसी गाड़ी में ड्राइवर को रखा जाता है, उस ड्राइवर से कहा जाता है कि रोज तुम्हारी गाड़ी, अरे मेरे यहाँ भी रोज होता है, मुझे गाड़ी का नाम पता नहीं, गाड़ी का नंबर पता नहीं, मैं तो ड्राइवर के नाम से बोलती हूँ कृष्णा तुम्हारी गाड़ी लाना, छोटू तुम्हारी गाड़ी लाना। तो जब वो लेकिन वो नहीं समझता कि गाड़ी मेरी है, उसे ये पता है कि गाड़ी मालिक की है और मुझे सिर्फ चलानी है, उसने किसी दिन उस पर हक नहीं जताया। ऐसे ही नृसिंह भगवान कहते हैं कि मैंने संसार में उपयोग करने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए मैंने उसे संसार दिया, लेकिन मैंने उसे अपना मान लिया। जब अगर वो नहीं मान सकता है, पूरे 40 वर्ष गाड़ी चलाता है लेकिन उसे अंदर से पता है कि गाड़ी मेरी, तो जीवात्मा क्यों मान लेता है कि ये संसार की शरीर रूपी गाड़ी और ये संसार रूपी विषय पदार्थ मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, मुझे सिर्फ उपयोग करने के लिए दिया गया है। अरे स्वामी जी महाराज एक दिन बता रहे थे, बोले सीट में गए तो सीट में नंबर लिखा होता है, ट्रेन की सीट में बैठे तो हम जरा नीचे वाली सीट में बैठ गए, गलती से महाराज जी की सीट ऊपर की थी और नीचे में बैठ गए, आ करके लड़ने लगी ये सीट हमारी है। अरे तुम तुम्हारे दादाजी से लिखा के लाए, अभी अभी दी है, अभी यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे तब तक की सीट है, बाकी तो सीट है नहीं। बोले लोग एक घंटे के लिए अपनी सीट इधर की उधर नहीं करना चाहते, और बोले इतना बड़ा संसार मैंने बनाया है उसमें आसक्ति पूर्वक के लिए नहीं बनाया है, उसको उपयोग करने के लिए बनाया, ना कि उपभोग करने के लिए। हम लोग उपभोग करते और भोगने वाला आदमी सुख दुख के चक्कर में पड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या करूं इतने चुटकुले याद आ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले, वो हमें मिले। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा बेटा हो गया, उसके पैर में कांटा चुभ गया। अकबर ने कहा क्या बात है, कांटा चुभ गया? जहां जहां मेरा बच्चा पैर रखे वहां वहां चमड़ा बिछा दो, जहां जहां गलीचा बिछा दो चमड़ा बिछा दो। तो बोले गलीचा बिछा दो, कहां कहां वो जाएगा, कहां कहां गलीचा ले लेके रोल लेकर के घूमे, जहां वो पैर रखेगा घूमे। बीरबल सब लोग तंग आ गए, सब दरबारी पहुंचे बीरबल के पास, बोले क्या किया जाए, चारों तरफ कैसे गलीचा बिछाया जाए, ये तो पता नहीं बालक भागेगा कहां कहां पैर रखेगा, कहां कहां रखे। पर होते हैं बहुत पैसे वाले हैं, अपने लोग सोचते हैं कि हम जो चाहे सो कर सकते हैं, दुनिया में पैसा बड़ी चीज है। मेरे को सुनने में आता है, एजर तू खुदा तो नहीं पर खुदा से भी कम नहीं, ये सुना, लेकिन खुदा से कम है, कम नहीं नहीं कहा, खुदा से कम नहीं, किस लिए, जरूरत के लिए। पैसा जरूरत है, पैसा मंजिल नहीं है। अगर भोजन कर रहे हो तो थाली की जरूरत है, थाली भोजन नहीं हो सकता, वैसे जर भी खुदा नहीं हो सकता, खुदा से कम नहीं, इसलिए कि थाली और भोजन का साम्य होता है तब बराबर जीमा जाता है। वैसे ही जर और पैसा दोनों जब मिल जाते हैं, खुदा और पैसा, तो बराबर उसका उपयोग हो सकता है, ना कि वो मंजिल है। तो बीरबल के पास सब तंग आकर के गए, तो बीरबल के पास तो आपको पता ही है हर उत्तर रहता है। उसने कहा ऐसा करो, तो मखमल के जो होते हैं ना उसके एक जूती बनवा लो, और जूती बनवा के उनके पैर में पहना दो, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मखमल नजर आएगा। वाह वाह कितनी बढ़िया बात है, ये सारी बातें इस प्रकार से जूते हैं कि उसके चुभ ही नहीं सकते। प्रभु आपको अपराधी कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बना करके आपने ठीक नहीं किया। क्या कहते हैं, आपने विषयों को सुंदर बना के ठीक नहीं किया, हमारा मन उधर चला जाता है। ऐसा क्या करें कि हमारा मन इन संसार के विषयों में ना फंसे। नरसिंह भगवान कहते हैं देख बेटा, मैंने 2 अमृत बनाए हैं, उनका पान करने के लिए विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा। 2 अमृत कौन से हैं जिससे आपका विषयों की ओर मन नहीं जाएगा? नामामृत और कथामृत। जब नाम लेते रहोगे हमेशा, तब एक भगवान की तरफ से मन नहीं हटेगा, क्योंकि जिसका नाम लेते हैं तो उसकी मूर्ति सामने आती ही आती है। अभी आप किसी का नाम ले लीजिए, यहां से आप लंदन का नाम ले लीजिए तो लंदन की मूर्ति सामने आएगी, अमेरिका की मूर्ति आएगी। एक सुखदेव जी महाराज की कथा के समय किसी संत ने मुझसे कहा था,
बोले क्या हुआ? बोले जब भागवत की कथा का बटने लगे, कलयुग में भागवत की कथा सुखदेव जी सुनाने लगे, तो भगवान ने कहा, उद्धव जी से कहा कि मैं अपना सब कुछ इस कथा में दे देता हूँ, मेरा ही रूप है, मेरा ही ये सब कुछ है, तो मैं इसी भागवत कथा में प्रविष्ट कर जाता हूँ। तो वो कथा सुनाते सुनाते भगवान आते गए, तो भगवान ज्यों ही प्रविष्ट होने गए तो भोगों का बहुत रुपया था वो अमेरिका में फेंक दिया, रुपया का था वो एशिया में फेंक दिया, वो यूरोप में फेंक दिया, और सब कुछ फेंकने के बाद फिर बोले ज्ञान कहाँ फेंकूँ, तो नज़दीक आ गए थे वृंदावन के, तो उन्होंने हरिद्वार में फेंक दिया, काशी में फेंक दिया, वहाँ ज्ञान फेंकने के बाद बचा वो प्रेम, वो भागवत लेकर के श्री वृंदावन धाम में पधार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रीमद् भागवत इसीलिए वृंदावन में